दोस्तों प्रेस्टीज कंपनी का इंडक्शन, इसमें E4 एरर आ रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ। ऑन हो गया है, अभी चालू करके दिखाता हूँ। इसमें E3 एरर आ रहा है, तो इसका प्रॉब्लम यही है, E3 एरर आ रहा है। ये क्यों आ रहा है मैं आपको सोल्यूशन करके दिखाता हूँ। पहले इसको अनप्लग कर लेता हूँ। अभी मैं थोड़ा सा वीडियो स्किप करके देख रहा हूँ, मैंने खोल कर रखा है, अभी दिखाता हूँ आपको। थोड़ा सा साइड कर लेता हूँ। फैन निकाल लेता हूँ, सब कुछ निकल के बाहर दिखाता हूँ आपको फ्लैश करके। तो दोस्तों इसका कारण मैं बताता हूँ आपको। पहले आपको ये डायोड चेक करना है, अगर ये डायोड सही है तो आपको 3 रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। ये तीनों रेजिस्टेंस चेंज करके देखना है आपको। वोल्टेज नाप के दिखना है, ये वाला जो रेजिस्टेंस है देखिए, इसका कलर कोडिंग, ये वाला रेजिस्टेंस और ये वाला रेजिस्टेंस और ये वाला रेजिस्टेंस, ये तीनों रेजिस्टेंस आपका E3 और E4 एरर टेस्टिस में आता है, ठीक है। तो आपको ये तीनों रेजिस्टेंस पहले चेक करना है। ये तीनों रेजिस्टेंस में वोल्टेज अगर कम होगा तो यही एरर दिखाएगा। तो आपको देखा था वो वोल्टेज चेक करके कि कितने में कितना मिलता है। और इस ये जो इंडक्शन जो है, इसका पहले शॉर्ट सर्किट था तो मैंने ये IGBT चेंज कर दिया है। देखिए IGBT का नंबर ये बराबर है, इसका नंबर और इसका नंबर ये बराबर नंबर का है, देखा था आपको। IGBT देख लीजिए, ये आसानी से लोकल मार्केट में मिल जाता है, ठीक है। और इसका मैंने शॉर्ट सर्किट निकाल दिया है। अभी E3 और E4 दोनों में अभी कोई भी हो तो एक भी एरर दिखाता है, सेम ही है E3 और E4 प्रेस्टीज कंपनी का। तो मैं आपको दिखाता हूँ, इसको पलट कर दिखाता हूँ आपको। ये जो आपका जो फिल्टर कैपेसिटर है 450 वोल्ट का, देख रहे हैं आप, 4.7, इसका इसका नेगेटिव और पॉजिटिव साइड भी है, ये देख लीजिए। तो पॉजिटिव से आप DC में मल्टीमीटर का, अपना जो मल्टीमीटर है दिखाता हूँ, ये मल्टीमीटर में आपको DC में सेट करना है। DC में सेट करके प्लस वाला इधर लगाना है और आपको चेक करना है ये तीनों रेजिस्टेंस कितने में कितना वोल्टेज आ रहा है, आपको वही वोल्टेज चेक करना है और कुछ भी नहीं। वोल्टेज चेक किया, अगर कम ज़्यादा मिले तो आपको वही रेजिस्टेंस चेंज कर देना है, आपका सेट ओके हो जाएगा। और ध्यान रखें इसमें, इसको अभी टेस्ट करने के लिए फिलहाल सीरीज में लगाना ज़रूरी है, क्योंकि अगर सीरीज में नहीं लगाया तो और भी ज़्यादा शॉर्ट सर्किट होगा, बाद में आपका परेशानी मिलेगी। देख लीजिए 398 मिल रहा है, और इधर पे 10-11 मिल रहा है। तो ये वाला रेजिस्टेंस ठीक है, और आपको दूसरा वाला रेजिस्टेंस दिखाता हूँ। इसमें 3 वोल्ट मिल रहा है तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इधर, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। त्रिपुल दिखा रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हाँ इसमें प्रॉब्लम है, इसमें देखो कोई भी रीडिंग शो नहीं कर रहा है,
कोई भी रीडिंग शो नहीं कर रहा है। इधर पे तो आ रहा है वोल्टेज, लेकिन आउट नहीं हो रहा है, वोल्टेज आउट जीरो दिखा रहा है। मतलब ये वाला रेजिस्टेंस जो है, आपको दिखाता हूँ, इस साइड का जो ये रेजिस्टेंस जो है, इस वाला ये वाला खराब है। पलट के दिखाता हूँ आपको, ये वाला जो रेजिस्टेंस है, देख लीजिए इसका कलर कोडिंग। ये वाला खराब है, तो चला मैं इसको निकल के देख लेता हूँ। ये था खराब वाला रेजिस्टेंस, और ये जो है मेरे पास एक नया वाला रेजिस्टेंस है। ये वाला खराब था, और ये वाला नया वाला रेजिस्टेंस है। इसको मैं लगा के दिखाता हूँ आपको। देख लीजिए मैंने जोड़ दिया है ये वाला रेजिस्टेंस, यहाँ पे इस पॉइंट पे मैंने जोड़ दिया है। यहाँ पे तो पहले 397 जैसा वोल्टेज आ रहा है, लेकिन इधर 0 वोल्ट आ रहा था, कुछ भी रीडिंग शो नहीं कर रहा था। तो देख लेते हैं हम इसमें रीडिंग शो करता है कि नहीं करता है। तो मुझे पहले इसमें सीरीज में लगाना पड़ेगा, अभी चेक करके देखते हैं कि ठीक हुआ है कि नहीं। यहाँ पे 392 94 94 लगभग दिखा रहा है, तो इस साइड पे तो आउट होना चाहिए। यहाँ पे देखिए 132 33 34 जैसा दिखा रहा है, तो हमारा ये शायद ठीक हो गया है, क्योंकि यही जो था प्रॉब्लम था ये वाला रेजिस्टेंस। और बाकी सब मैंने चेक कर लिया है, तो अच्छा है, बाकी सब ठीक है। अभी इंडक्शन को सेटअप करके देखते हैं हुआ है कि नहीं। डिस्प्ले को जोड़ के देख लेते हैं, पहला सीरीज में डालेंगे। ऑन हुआ है, लेकिन हमारा जो सीरीज बल्ब है वह जला नहीं है, तो हमारा सेट ओके है। अभी देखिए हमारा E3 एरर चला गया है, और ये जो एरर है ये E4 का भी एरर होता है, ठीक है, दोनों सेम ही है। तो देखते हैं अभी गर्म हो रहा है कि नहीं। ये देखिए एम्पियर मीटर में हमारा लोड पक्का ठीक ठाक नहीं ले रहा है। अगर इसमें लोड जो एम्पियर में कम दिखा रहा है, तो परेशानी होगी और स्लो हीटिंग होगा, तो एम्पियर 5 से ऊपर होना चाहिए, 5 से नीचे नहीं, 5 से ऊपर ही होना चाहिए। और जैसे जैसे आप हीटिंग को डाउन करते जाओगे, तब आपका जो एम्पियर है वो घटता चला जाएगा, ठीक है। अभी देखो ये हीटिंग हो रहा है, गर्म भी हो रहा है, देखिए सब कुछ ठीक ही है। तो यही तीनों रेजिस्टेंस आपको चेक करना है, पहले डायोड को चेक करना है, और फिर तीनों रेजिस्टेंस को चेक करना है। और इसमें अगर वोल्टेज आउटपुट नहीं हो रहा है, तो सेट चालू नहीं होगा। और प्लीज़ लाइक लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर करना मेरे चैनल को, और ऐसे ही वीडियो में लाता रहूँगा। और मैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि नेक्स्ट कौन सी वीडियो डालूँ। अगर अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना और शेयर करना, ठीक है।
चलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।